नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते इस पाम में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो इस पाम का कलर कंप्लीट गुलाबी है। ऐसे लोग जीवन में पर्सनल एक्सपेंस इनके ज़्यादा होते हैं और ये कलर भी पैसा खींच कर लाता है। सबसे बड़ी खासियत ये होती है। और ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल तो नहीं, चौड़ा है। तो जब चौड़ा पाम होता है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, पूरा जोर लगाता अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और इनकी उंगलियां भी अच्छी खासी मोटी है तो शारीरिक बल अच्छा खासा होगा और अंदरूनी मंगल भी उभरा होने के कारण शारीरिक बल वहाँ से भी देखा जाता है। ये उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना इनमें होगी। और सबसे बड़ा पार्ट, ये उंगली काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंच रही है। याद शक्ति, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सारे गुण इनमें अच्छे खासे होते हैं। और इनका अंगूठा भी मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं ये। इनके लगभग सभी माउंट अच्छे हैं, लगभग, तो ये भी एक अच्छा चिन्ह है। आम लोगों से ज़्यादा ये लोग पैसा कमाते हैं। दूसरा, इस पाम में एवरेज से ज़्यादा यहाँ पर स्पेस मिला हुआ है तो ये भी एक सफलता अच्छी खासी दिखाता है अपने जीवन में। अब चलते इनके माउंट की ओर। बुध माउंट अपने आप में उभरा हुआ है, यानी बहुत सारा उभरा हुआ नहीं है पर बैलेंस में है, तो ये प्लस पॉइंट है। व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, बिजनेस एक्यूमन ऐसे लोगों में अच्छा खासा होता है, व्यापार वाणिज्य की जो समझ है वो अच्छी खासी इनमें होती है। प्लस इनकी जो भाषा होती है, जो बोली होती है, वो मधुर होती है, बहुत बैलेंस से ये लोग बात करते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है जीवन में। किसी को बुध पर्वत अच्छा होने पर उसकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है। और ये खड़ी लाइनें व्यक्ति को मित्रता, मित्रों के मित्र होते हैं ये लोग। अब चलते हैं यहाँ पर, इनके बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइनें भी चल रही और हृदय रेखा से ये लगभग शुरुआत हो रही है। तो ये लोग जनरली साइंस और टेक्नोलॉजी से पैसा कमाते, ऐसा जनरली देखा गया, जिसकी ये लाइन हृदय रेखा के आसपास से शुरू होती है। तो और अच्छी खासी लाइन है तो ये पर्वत को अच्छा खासा एज दे रहे। अब चलते इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर देखें तो एक स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, यानी इनका मल्टी सिटी काम होता है, लंबे चौड़े जगह से फैला हुआ काम रहता है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मिलता है और ये स्क्वायर पैसा भी अच्छा खासा देता है। दूसरा, ये अगर स्क्वायर रियल में कंप्लीट होगा, ये इस तरह से कंप्लीट है तो ये ह्यूज लेवल की प्रॉपर्टी इनको जीवन में देगा, ह्यूज लेवल की। ये सोच भी नहीं पाएंगे इतना इनको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और इस तरह का स्क्वायर धन भी अच्छा खासा देता है। व्यक्ति प्रॉपर्टी कब खरीदता है? जब उसके पास धन ज़्यादा आता है तब। पर ये चारों ओर से कंप्लीट होना चाहिए, मुझे केवल यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, पर 99% ये क्लियर होगा। और नहीं होगा तो आगे जाके हो जाएगा। और एक सूर्य रेखा देखिए, यहाँ से शुरू होकर पर डार्क हो रही है ये लगभग यहाँ से, और 56 के बाद तो 55-56 के बाद तो बहुत ही डार्क हो रही है। ये व्यक्ति को बैठे बैठे इनकम कराती है, यानी लगभग यहाँ से इनको बैठे बैठे इनकम शुरू हुई होगी। ये होगी उम्र लगभग 38 के आसपास से बैठे बैठे इनकम आ रही होगी, पर ये स्ट्रांग हो रही है एक्चुअल में 48-49 से स्ट्रांग होकर, और 55-56 से तो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। ऐसे लोगों को बहुत यश मिलता है जीवन में। काम 1000 रुपये का करेंगे, दिखेगा 10,000 का काम। और ये बचपन से इनको यश मिलता है इस रेखा के कारण। हाँ, शुरुआती जो दौर रहता है, सूर्य रेखा है तो शुरुआती जो दौर रहता है वो अच्छा खासा एफर्ट करवाता है आपसे, बहुत संघर्ष करवाती है।
ये रेखा, पर जैसे ही एक्टिवेशन चालू होता है वैसे एक छाया की तरह काम करती है। ये बहुत बहुत रेयर साइन होती है, बहुत कम लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर देखें तो इनकी विद्या रेखा, ये लोगों को नॉलेज, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा खासा होता है। इन लोगों को लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं बचपन से। ये रेखा कोई मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री नहीं दिलाती, पर ये रेखा आपको बेसिक ज्ञान, धरातल का ज्ञान अच्छा खासा दिलाती है और उससे ही आकर्षित होकर लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। पर जब डबल रेखा होती है तो व्यक्ति को अपनी उस विद्या पर या उस ज्ञान पर घमंड भी होता है। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर देखिए आप, एक स्ट्रॉन्ग रेखा शनि पर्वत पर चल रही है, तो ये बुढ़ापे में इनको अच्छा खासा धनी बनाएगी, अच्छा खासा। इस रेखा में इतना पावर चमक रही है, ये रेखा शाइन कर रही है। जब इस तरह की रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में तो उनका बुढ़ापा काफ़ी उत्तम जाता है, काफ़ी धनवान होते हैं ये लोग और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी इनके अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, पर उम्र 56 के बाद। और यहाँ पर मनी रिसीविंग एंटेना भी अच्छे खासे बने हुए हैं, तो धन की तो कोई कमी यहाँ पर है नहीं। ये भी बहुत बेटर साइन है, बहुत ज़्यादा पैसा व्यक्ति के झोली में देती है ये लाइनें, मनी रिसीव करके आपको देती है ये लाइनें, तो ये प्लस पॉइंट है। अब चलते इनके गुरु पर्वत पर। हाँ, और एक लाइन का डिस्कशन रह गया, ये जो लाइन है ये या तो सरकारी लाभ, पॉलिटिकल जान पहचान, या व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला, या व्यक्ति खाने में शौकीन होता है, इतनी सारी चीज़ों का लाभ देती है। और ये फिश साइन अगर यहाँ पे कंप्लीट है, मुझे कंप्लीट लगती है, तो धर्म के बाबत में मामले में इनके जो विचार रहते हैं वो कंप्लीट डिफरेंट होते हैं। धर्म के बारे में इनकी जो सोच होती है वो कंप्लीट अलग होती है, ये नहीं किसी को समझा पाते, और अगर किसी को समझा भी दिए तो कोई समझेगा भी नहीं। तो ये साइन का ये मतलब होता है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं इस मछली का। अब चलते इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा है, पर इस गुरु पर्वत में एक मिस्टेक है, ये यहाँ से पैडिंग ज़्यादा है। जब इस तरह की पैडिंग होती है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक झंझट मारियाँ बहुत होती है, परिवार के प्रॉब्लम खड़े होते इस रेखा के कारण। इसको बैलेंस करने का मैं इनको उपाय दे दूंगा। दूसरा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं चल रही है, तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है। अब चलते इनके एक और लाइन के ऊपर, नॉन स्टॉप विकास। ये लाइन भी व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाती है। जब इतनी स्ट्रांग लाइन हो तो एक लव्य की तरह दृष्टि होती है इनकी, एम, वो जो खासियत होती है वो इनमें होती है। सिंगल लाइन होनी चाहिए आपके हाथ में, अगर सिंगल लाइन है और बड़ी है तो व्यक्ति अच्छा खासा एक लव्य की दृष्टि रखता है और एक फोकस रहता है उसका और वो आगे बढ़ता है। फोकस के लिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों व्यक्ति को एक फोकस वाला बनाती है। जैसे एकलव्य केवल उसको चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे इनका भी माइंड उस तरह का होता है, केवल चिड़िया की आंख दिखती है वहीं निशाना लगाते। दूसरी, इसी फोकस को देखने के लिए और एक चीज है, ये जब इस तरह का इंद्रधनुष टाइप का कव बनता है, यानी इंद्रधनुष तो नहीं कह सकते, एक तरह का धनुषाकार व्यक्ति के जीवन में इस तरह का नीचे का पार्ट होता है, तो व्यक्ति अपॉर्चुनिटियाँ जो आती है उसको ग्रैब करने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल पर देखें तो अंगूठे के कारण हो सकता है ये पार्ट उभरा हो, पर फिर भी शरीर की एनर्जी अच्छी खासी इनमें होगी, ये अंदरूनी मंगल से लगता है। अगर ये उभरा होगा
तो कभी ना कभी अपशब्द बोलने की भी आदत होगी इनको, पर मुझे नहीं लगता ये अंगूठे के कारण उभरा लग रहा है। अब चलते इनके बाहरी मंगल की ओर। हाँ, अंदरूनी मंगल में थोड़ी सी रेखा है, ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा चिंतित स्वभाव इनका हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं है कि चिंता करने की आवश्यकता है। भारी मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है और बहुत दबा हुआ भी नहीं, तो किसी के साथ तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे, कंफर्टेबल फील करता होगा, और किसी के सामने सेफ्टी लेके मिलते होंगे, सामने वाले को चेक करते होंगे और फिर आगे बढ़ते होंगे, इस तरह की मानसिकता इनकी बनी होगी। और यहाँ पर चंद्र पर्वत देखिए कितना सुंदर और साफ, ये इस तरह का चंद्र पर्वत बहुत बुद्धि प्रतिभा देता है, रिफाइंड सोच देता है और ज्ञानी होते ये लोग। इनके पास कोई बैठ जाए तो अच्छा खासा ज्ञान लेकर उठता है व्यक्ति, और वैल्यू फॉर मनी, कोई भी चीज़ परचेस करके लाएंगे तो वो वैल्यू फॉर मनी होती है। अब चलते हैं यहाँ पर एक और रेखा है जो जीवन रेखा को इस तरह से, तो ऐसे लोगों को यात्राएं बहुत करनी पड़ती है जीवन में। और दूसरा है ये साइन व्यक्ति को, ये जो फिश साइन बनती है ये शरीर में एनर्जी भी देती है अच्छी खासी, और बुढ़ापे में हो सकता है इनका विदेश में आना जाना अच्छा खासा हो इन रेखाओं के बल पर, इस साइन के बल पर। और एक रेखा और है जो प्रोनाउंसिएशन में मुझे तकलीफ होती है, वाया लासाविया लाइन। ये व्यक्ति कितना भी सफल हो पर उसके मन में एक खालीपन का एहसास होता है, उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लगाता है, चाय कॉफी, चाय या दवाई का कोई ना कोई व्यसन, या धर्म का कोई ना कोई व्यसन इनके जीवन में रहता है इस लाइन के कारण। एक खालीपन का एहसास होता है इनको कितनी भी सफलता मिलने दो। और सबसे अच्छा पार्ट है इनके जीवन में वो ये है मनी ट्रायंगल। ये देखिए कितना बड़ा मनी ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, इतना बड़ा मनी ट्रायंगल व्यक्ति को अच्छा खासा समृद्ध बनाता है, अच्छा खासा। और यहाँ पर बहुत सारी बुध रेखाएं चल रही है, ये भी व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य में एक्सपर्ट बनाती है। बहुत सारी बुध रेखाएं ये व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य में अच्छा खासा, पर ये तीन रेखाएं के बदले अगर एक रेखा होती तो व्यक्ति अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा करता है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर देखिए लग्जरी की रेखा है, ये जितनी भी मोटी रेखा है ये सब शुक्र रेखा है, ये व्यक्ति को लग्जरी देती है जीवन में और पैसा भी देती है। और शुक्र पर्वत अच्छा खासा गुलाबी है तो व्यक्ति काफ़ी धनी होता है इस शुक्र पर्वत के कारण। अगर ये थोड़ा सा और बैलेंस कर देवे तो इनका, ऐसे तो गुरु पर्वत अच्छा ही है पर थोड़ा सा अगर बैलेंस कर दे तो धन की मात्रा आने की संख्या काफ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर एक और साइन थी जिसका डिस्कशन रह गया कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति को पढ़ाई में एक्सपर्ट बनाता है और कोई ना कोई डिग्री लेता है उस समय। तो इनके जीवन में इनसे डिस्कशन भी हुआ है उस पीरियड में, इनको डिग्री अच्छी खासी मास्टर डिग्री हाथ में आई है। अब चलते इनके हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा को देखें अगर जेन्युइनली तो इनकी हृदय रेखा यहाँ पर लगभग शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं हो रहा हृदय रेखा का, क्योंकि एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ से वापस दूसरी शुरू हो रही है। तो हृदय रेखा लगभग शनि पर्वत से शुरू हो रही है, तो व्यक्ति शनि पर्वत वाला जो रहता है व्यक्ति, वो पैसे के मामले में पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, ये एक खासियत उनमें रहती है, पैसा कमाने में ये लोग एक्सपर्ट रहते हैं। और यहाँ पर फ्लर्ट लाइनें भी है, तो ये लाइनें व्यक्ति को खुश मिजाज रखती है,
व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहने की, दुख भी आया, इनके हाथ में कोई ज़्यादा दुख दिख नहीं रहा पर दुख भी आया तो थोड़ी देर दुखी रहेगा, उसके बाद खुश रहने की कोशिश करता है। और इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा ओल्ड एज में यानी 70 के आसपास ये जब पहुँचेंगे तो कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ेगी, पर ज़्यादा मुझे कोई इनकी हार्ट लाइन में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। एक दो जगह पर रेखाएं नीचे जा रही है, तो किसी को पैसा देंगे और वो पैसा आएगा नहीं। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है इनके। ये देखिए, एक लाइन ऐसे चली और ऐसे गई, और यहाँ से एक और माइंड लाइन निकली और ऐसे चल रही है, और यहाँ पर इस तरह से दो पार्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? ये जीवन में ये एक बदलाव का पीरियड होगा इनका, लगभग उम्र 42 के आसपास कोई ना कोई ऐसा बदलाव आया होगा इनके जीवन में और इनका माइंड चेंज हुआ होगा। और ये रेखा जो ऊपर जा रही है, ये इनको काफ़ी व्यापार वाणिज्य में एक्सपर्ट बनाती है। ये लोग शातिर होते हैं, शातिर यानी बदमाश नहीं, शातिर यानी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं व्यापार वाणिज्य में, एक खासियत ये। और जब इस तरह से रेखा 42 के पहले, हो सकता है ये जीवन में उतने सीरियस ना हो क्योंकि ब्रेक हो रहा है इनकी माइंड लाइन पर उसके बाद ये सीरियस बने होंगे और ये डबल फोक बन रहा है। तो ये लोग लिखने की कला में काफ़ी माहिर होते हैं, कम्युनिकेशन हो, लिखने की कला हो, ये लोग काफ़ी मास्टर होते हैं। और डबल माइंड हमेशा प्रोग्रेस देती है, और इसका डबल माइंड का जो फॉर्मेशन है ये उम्र लगभग 52 के आसपास या 50 के आसपास से चालू हो रहा है। यहाँ से ये कम्युनिकेशन के जोर पर अच्छा खासा अपने जीवन में विकास करेंगे। अब चलते इनके, एक्चुअल में इनकी माइंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, यहाँ से ही इस तरह से नीचे जा रही है और एक पार्ट ऊपर जा रहा है और एक यहाँ पर डबल फोक बन रहा है। तो ऐसा कोई बदलाव आया नहीं होगा, ये जीवन में शुरुआत से ही सीरियस रहे होंगे। हाँ, ये चंद्र पर्वत पर जाने के कारण इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, इनको ऐसा महसूस होगा जैसे जैसे उम्र, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है। एक माइनस पॉइंट होता है, ये घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते और बाकी का डबल फोक होता है, तो व्यक्ति को जो मैंने बताया कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होता है, लिखने की कला में एक्सपर्ट होता है, और 52 या 50 के आसपास से इनका उस तरह से कम्युनिकेशन लेवल पर काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा और उस कारण से ये बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो ये यहाँ से प्रोग्रेस ट्रायंगल, यानी इनकी बचपन इतना कोई ख़राब नहीं गया रहता, अच्छा बचपन गया रहता। और यहाँ पर देखिए, इस पार्ट में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। अब ये कौन सा पार्ट होगा? ये लगभग उम्र 30 के आसपास जीवन में कोई ना कोई 30-32 के आसपास या 32-33 के आसपास इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा और वो पॉजिटिव रहा होगा, और इस तरह से इनकी जीवन रेखा आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर डबल फोक है तो यात्रा इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इस रेखा पर 2-3 जगह पर राहु रेखा का वार है, एक लगभग 40 के आसपास और एक लगभग 35 के आसपास। बाकी राहु रेखा एक यहाँ पर भी काट रही है, इस समय में भी कोई ना कोई टेंशन इनको जीवन 55 के आसपास इनको कोई ना कोई टेंस जीवन में आएगा। बाकी राहु रेखा छोड़कर अगर जीवन रेखा को देखे तो अच्छी खासी जीवन रेखा है, कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा। अब चलते इनकी धन रेखा को। धन रेखा को देखे तो चंद्र पर्वत से शुरू होकर ऐसे सीधी जा रही है, और यहाँ से एक जीवन में और बदलाव आया 36 के आसपास। यहाँ से एक इनकम की लाइन शुरू हुई और एक इनकम की लाइन इनके उम्र लगभग 48-49 के आसपास से कोई ना कोई व्यवसाय चालू होगा और वो आगे बढ़ेगा। अब इसकी रेखा को विस्तार से हम बताते हैं।
ये जो काम करते होंगे ये लगभग 40 तक इनका काम शुरू रहा होगा, और उसके साथ साथ कोई ना कोई नया काम शुरू किया होगा, वो 36 के आसपास शुरू किया होगा, और यहाँ से एक और फोक आगे जा रहा है और यहाँ पे 56 के आसपास स्टॉप हो रही है। यानी जीवन 55 से एक और कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में, और एक नया काम ये शुरू करेंगे वो उम्र लगभग 49 के आसपास से शुरू करेंगे, और इसका सही मज़ा मिलेगा इनको 56 के आसपास से। और कोई ज़्यादा राहु रेखाएं काट नहीं रही है, उम्र एक 36 के आसपास एक काट रही है, एक थोड़ी सी 40 के आसपास काट रही है, 39 के आसपास, इसको छोड़कर कोई राहु रेखा का वार ज़्यादा है नहीं। तो इनका जीवन काफ़ी उत्तम, मनी वाइज तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम इस हाथ में दिख नहीं रहा, कहीं पर भी आर्थिक उन्नति तो अच्छी खासी दिख रही है। अगर इस रेखा को जॉइंट भी गिने, ये अगर जॉइंट पार्ट भी होगा तो भी अच्छा खासा विकास इनका होने वाला है, और हो सकता है थोड़ा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है तो व्यक्ति को विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो नॉन स्टॉप मनी की लाइन है 36 के बाद, वो एंड तक जा रही है ये रेखा, ये देखिए कंप्लीट एंड तक, और ये बीच में कोई ना कोई दो जगह से इनकम इनको आएगी 48-49-50 के आसपास से। पर मेन इनकी जो 36 के आसपास से इन्होंने जो कार्य किया है उसी से ज़्यादा अर्निंग इनको जीवन में होने वाली है। तो आशा रखता हूँ पैसे के मामले में ये हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली जो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है ये गुरु यहाँ से उठा हुआ है उसको छोड़कर इनके हाथ में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। और माइंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के कारण हो सकता है रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रह सकती है इनको, उसके सिवा ये हाथ में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। आशा रखता हूँ इनके सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।